वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, और आज बुधवार का दिन और ऐसे में हम लेकर आते हैं विमेंस वेडनेसडे, हमारी एक खास पेशकश जहां पर आपके सवालों के जवाब तो हमने दे दिए हैं, लेकिन अब आपको मिलाते हैं एक ऐसी सशक्त महिला से जो कि अपने आर्थिक सशक्तिकरण के सफ़र पर आगे निकल चुकी हैं, और उनकी क्या कहानी रही है ये जानते हैं। हमारे साथ जैस्मिन बी गुप्ता जुड़ गई हैं, फाउंडर मीट मनी एंड चीफ डिजिटल ऑफिसर पहल फाइनेंस। आपका बहुत बहुत स्वागत है जैस्मिन हमारी इस खास पेशकश में, और बहुत सारे पैमानों पर आपसे बातचीत करनी है, लेकिन मेरे ख्याल से आप शायद फाइनेंस वर्ल्ड से ऑलरेडी जुड़ी हुई हैं और इन्वेस्टमेंट्स और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की जो गुर हमारी कोशिश होती है कि महिलाएं जाने, उसी से जुड़ा हुआ आप कामकाज भी करती हैं। तो ये बताइएगा, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत दरअसल कब से की है, और आपकी जर्नी में आपका पहला निवेश क्या रहा है? मैंने शुरुआत बहुत छोटी थी तब से की है, और मेरे घर में ही मुझे बहुत सारा इंस्पिरेशन मिलता था। मेरी मदर जो एजुकेशनिस्ट है और सोशल वर्कर है, मेरे फादर जो लॉयर है, एंड ऑल्सो जिन्होंने बहुत सोशल जस्टिस और सोशल कॉजेस के लिए फाइट किया है। इवन माय ग्रैंडफादर जो बहुत ही, जब मैं 10 साल की थी तब से मेरा PPF अकाउंट खोला था। तो बहुत छोटी उम्र से हमको फाइनेंशियल डिसिप्लिन और फाइनेंशियल प्लानिंग सिखाया गया था, एंड आई थिंक उसका बहुत ही इम्पैक्ट रहा है मेरी जिंदगी में, बिकॉज मैंने जो करियर चूज किया एज अ बैंकर एंड देन एज अ फिनटेक एक्सपर्ट, तो मेरा पूरा जर्नी from traditional banking to digital banking to fintech banking, तो सारा inspired हुआ through family, और बहुत ही छोटी उम्र से शुरू किया था। हालांकि मैंने खुद का जो first job किया वो HDFC bank था। after जैसे ही मेरा education ख़त्म हुआ, मैंने campus से joined HDFC bank, और HDFC में बहुत कुछ सीखने को मिला कि not just financial planning but ऑल्सो बैंकिंग, ऑल्सो इंश्योरेंस। बिकॉज हम जब फाइनेंस की बात करते हैं तो फाइनेंस इज नॉट जस्ट अ बैंक अकाउंट, और फाइनेंस ऐसी चीज है जो इट इज़ अ 360 डिग्री व्यू। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर वर्ल्ड बैंक का जो ग्लोबल फिनटेक्स डेटा आता है उसके अनुसार अगर आप देखना चाहें तो इंडिया ने बहुत ही प्रोग्रेस किया है फाइनेंशियल इंक्लूजन के फील्ड में, 80% फाइनेंशियल इंक्लूजन। पर आज हम अगर देखने जाए तो वो कितने जनधन अकाउंट्स है जो डोरमेंट पड़े हैं, और एक बैंक अकाउंट खुलने से फाइनेंशियल इंक्लूजन भी नहीं हो जाता है। आई थिंक उसके लिए इंश्योरेंस होना चाहिए, उसके लिए डिपॉजिट्स कैसे करना, लोन कैसे लेना, क्रेडिट स्कोर क्या होता है वो समझना, ये सारी चीजें हैं जो पूरा एक फाइनेंस पैकेज होता है जो समझना बहुत जरूरी है। और देखना चाहे तो विमेन स्पेसिफिकली ये सारी चीजों से काफी दूर रही है। हालांकि हमने देखा है कि सारी विमेन एजुकेटेड है, अभी एजुकेशन लेवल आप देखो विमेन का बढ़ रहा है, और हायर एजुकेशन में भी आप देखोगे विमेन टॉपर्स है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट हम देखेंगे कि व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस, तो फाइनेंस मैनेज करना खुद के लिए वो जिम्मेदारी विमेन लेने के लिए तैयार नहीं है। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल भी देती हूँ, मैंने मेरे बैंकिंग करियर में एक सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया था विमेन स्पेसिफिक जी, तो विमेन, तब हमने काफी सारा रिसर्च किया था। अब जब विमेन स्पेसिफिक अकाउंट जब हम लॉन्च करते हैं तो विमेन के लिए उनको ऐसा नहीं है कि हमको लॉकर दे दो या हमको फ्री डिस्काउंट दे दो और सब बंडल करके दे दो तो एक प्रोडक्ट बन जाए, ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट मेरे टेडएक्स टॉक्स में मैंने बोला है कि ये जो जेंडर एग्नोस्टिक अप्रोच है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का, वो चेंज होना बहुत जरूरी है, बिकॉज विमेन की जो रिक्वायरमेंट्स है, टेकिंग कंसिडरेशन कि भाई उनके इमोशनल प्रेफरेंसेस क्या है, टेकिंग कंसिडरेशन कि उनके लाइफस्टाइल प्रेफरेंसेस क्या है, ये सारे बहुत मायने रखती है जब विमेन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स यूज करने का ट्राई करते हैं। तो रोड साइड असिस्टेंस अगर डेबिट कार्ड पे दिया जाए,
या फिर हेल्थ चेकअप्स या हेल्थ इंश्योरेंस, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती है विमेन के लिए व्हेन हम उनके लिए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और आई थिंक ये जो पूरा चेंज हम देखते हैं, जो पूरा डिजिटल रिवॉल्यूशन जो हम देख रहे हैं, तो फ्रॉम ट्रेडिशनल बैंकिंग टू फिनटेक बैंकिंग, द बिगेस्ट बेनिफिट ये हम देख रहे हैं कि फिनटेक्स जो है वो कस्टमर सेगमेंट के नीश डीप तक जाके उनकी नीड्स इवैल्यूएट करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। एंड आई थिंक विमेन के लिए ये सबसे बेस्ट है, बिकॉज जो सेगमेंट बहुत ही एक्सक्लूडेड रहा है अब तक, उनके लिए कुछ स्पेसिफिक करना, कुछ ज्यादा करना, कुछ अलग करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि हमारी इस तरह की पेशकश जहाँ पर हम महिलाओं को प्रोत्साहित करते हैं कि वो अपने सवाल हमसे पूछें और अपने कदम निवेश की ओर बढ़ाएं, और आप जैसी महिलाएं मेरे ख्याल से एक बहुत सटीक उदाहरण भी हैं यहाँ पर जैस्मिन, क्योंकि न सिर्फ आप एक महिला हैं, न सिर्फ आप एक निवेशक हैं, बल्कि आप फिनटेक कारोबार से बहुत समय से जुड़ी हुई भी हैं, और आपकी खुद की एक कहानी, आपकी खुद की एक जर्नी है जो आपने आज हमारे साथ साझा की और बयान की। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। समय मेरा समाप्त हो चुका है जैस्मिन, धन्यवाद, समय निकाला और हमारे साथ आज आप जुड़ी। तो वुमेन्स वेडनेसडे और बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर को भी आज मैं यहीं समाप्त करती हूँ, लेकिन अगर आप भी एक महिला दर्शक हैं और न सिर्फ दर्शक रहकर निवेशक भी बनना चाहती हैं तो हम आपकी सहायता कर सकते हैं, क्योंकि हम इस शो के ज़रिए आपको बताते हैं वो सीढ़ी और वो पहला कदम जो आपको अपने निवेश और अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के लिए बढ़ाना ज़रूरी होता है। तो अपने सवाल हम तक पहुंचाएं, अगर कोई सवाल पूछना चाहती हैं व्हाट्सएप कीजिए अपने सवाल, और यूट्यूब पर अगर लाइव देखती आई हैं, सोशल मीडिया पर भी अगर आप हमें लाइव देखती हैं, अपने सवाल वहाँ भी आप पूछ सकती हैं। धन्यवाद।